नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, फॉर्म भरना शुरू कर दिया है प्रत्याशियों ने। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कि विधानसभा चुनाव क्या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, महापौर हो, पार्षद हो, सारे चुनावों को जो लड़ चुके हैं, ऐसे शख्स आनंद सिंह कुशवाहा चाय वाले हमारे साथ हैं। आनंद जी, किस तरीके से आज आपने फॉर्म दाखिल कर दिया, कौन सी विधानसभा से किया है? ग्रामीण से विधानसभा से किया, बहुजन समाज पार्टी से। कौन कौन से चुनाव आप लड़ चुके हैं अभी तक? पार्षद का, लोकसभा का, विधानसभा का, महापौर का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। क्यों, ऐसा क्या है जो आप चुनाव, क्या संकल्प लिया है आपने? संकल्प समाज की सेवा के लिए करना, और संकल्प तो हमारा पूरा हो चुका। हमारे वर्तमान मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, 1994 में चुनाव लड़े थे वो, मैं भी लड़ा था। उनने मेरे थोड़ा गरीबी तौर पर मेरे को थोड़ा अशब्द बोल दिया था। वो पैसे वाले थे, मैं गरीब था, मैं चाय बना था, वो आड़ा दिया थे। तो जब से मैंने चुनाव लड़ने का संकल्प किया था। तो ये प्रक्रिया आपके 1994 से चल रही है? 1994 से, 29 साल हो गए। कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया 1994 चल रही है। नारायण सिंह कुशवाहा मंत्री हैं, जो रहे हैं पूर्व मंत्री, उनसे जब चुनाव हुआ था इन्होंने, तो उस समय चुनाव आप लड़े थे संकल्प। अब वो समय पिछली बार आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा संकल्प पूरा हो गया। हनुमान जी ने पूरा किया मेरा संकल्प, तो मेरे वोटों से वो हार चुके हैं वो। तो अब तो संकल्प पूरा हो चुका। अब मेरा दूसरा संकल्प और एक दूसरी विधानसभा से बारा सिंह कुशवाहा जी के खिलाफ में फार्म डाला सर। तो घर वाले आनंद जी मना नहीं करते हैं? पैसा भी खर्च होता होगा चुनाव में? नहीं सर, घर वाले क्या मना करेंगे, घर वालों घर की सेवा चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए, कपड़े चाहिए। मैं तो अपना अलग से खाता खोला, इसके चुनाव के अलग से पैसे डालता हूँ मैं तो सर। कैसे इकट्ठे करते हैं? 10-10, 5 रुपये डालते जाता हूँ मैं चुनाव पेटी में। कितना खर्च हो जाता है एक चुनाव में? एक चुनाव में 10-12 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, 20 भी हो जाए। पैसे का अपन तो गरीबी तौर पर करते हैं, साइकिल से प्रचार करते हैं और पैदल प्रचार करते हैं। आपका नाम भी रामायण ही पड़ा, वो कैसे? क्या कर रहा हूँ, अखंड रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम, आए दिन करते हैं। घर घर जाके अखंड रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और जो भी उसका आय होती है रामायण की, सुंदरकांड की, हमारा एक मंदिर है हनुमान जी का, हम वहाँ पर 200-300 का भोजन बनवाते हैं और 10-15 लोगों का सम्मान रखते हैं पैसे से। हम घर पर उस पैसे को नहीं रखते जो रामायण का नहीं। तो टोटल कितनी आय हो जाती है और क्या आय का स्रोत क्या है? आय स्रोत ये चाय का होटल है मेरा बस। कितनी दुकानदारी हो जाती है एक दिन में? दे दा, पेट भर रहा है बस, परमात्मा घर चला रहा है बस। बच्चे वगैरह हैं? बच्चों के सर मेरे, बड़ी बेटी एम कॉम करी, छोटी ने एम ए किया, बच्चा ने BSc किया जी। तो इसी विधानसभा में क्यों आपने, आपके पास तो ग्वालियर भी विधानसभा थी, ग्वालियर पूर्व भी विधानसभा थी, ग्रामीण में क्यों? हमारे के समाज के जो प्रतिनिधि अभी वर्तमान मंत्री हैं, थोड़ा उनको वो क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, वो हम जैसे लोगों से मिलना नहीं चाहते वो, इसलिए हम इस रूम में इसकी जहाँ से विधानसभा का फार्म भरा था इसलिए। मतलब आपके कुशवाहा समाज से? कुशवाहा समाज से हम आते हैं, मगर हमने 2-4 दिन से मिले, मगर उनको कोई हमको प्रोत्साहन नहीं करते, उतना ठीक तुम हो गए तुमको अपने आप में। इसलिए आपका क्या चाहते हो कि मतलब समाज के लोगों की मानना चाहिए जो बनने के लिए? समाज की बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके पास आना जाना चाहिए। मगर हमारे वर्तमान मंत्री हैं, विधायक जी हैं अभी जो भारत सिंह कुशवाहा जी, वो हम जैसे लोगों को नहीं स्वीकार करते, इसलिए हमने उनके विधानसभा में चुनाव लड़ने का मकसद चालू किया है। संकल्प हराने का इनको भी संकल्प? जी सर, बिल्कुल पक्का। ये नहीं हार जाएंगे आप चुनाव लड़ते रहेंगे? इसी विधानसभा चुनाव लड़ते रहूँगा जब तक। ये कहीं ना कहीं पूरे गए हर चुनाव को लड़ चुके आनंद कुशवाहा जी, अब नारायण सिंह कुशवाहा का जो संकल्प 1994 में लिया था वह संकल्प पूरा कर चुके हैं ये 2018 में। उसके बाद अब भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं, अब उनके खिलाफ समाज के हैं, इसलिए वो समाज के लोगों की सुनना चाहिए, इसलिए आनंद कुशवाहा चाय वालों ने संकल्प लिया है और आज अपना कलेक्ट्रेट में आकर फॉर्म भी दाखिल कर दिया है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।